गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स अ 10th क्लास लर्निंग वीडियो। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है, और इसके रूट्स निकालने का एक मेथड आप पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग मिडिल स्प्लिट बोलते हैं। आज का टॉपिक इस चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन मिडिल स्प्लिट से नहीं हो सकता है तो उसको फिर कैसे किया जाए। इसके लिए एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम है श्रीधर आचार्य एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूले का नाम उन्होंने लिखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के थ्रू उन्होंने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का दूसरा मेथड बताया। कुछ बच्चों को रूट्स वाले क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, रूट वाला क्वेश्चन देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे होगा। हमने उसकी भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है, लेकिन फिर भी बच्चे डरते हैं। तो आज हम लोग एक सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसने बनाया? श्रीधर आचार्य ने बनाया। उन्हीं के नाम पर इस फॉर्मूले का एक स्पेशल नाम पड़ गया, श्रीधर आचार्य मेथड। एग्जाम के अंदर 3 नंबर में या 4 नंबर में स्पेशल क्वेश्चन आता है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक और मेथड है जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे भी हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं। आपकी बुक में 4.3 का पहला क्वेश्चन यही है, बट CBSE में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पिछले साल से कट हो गया है, इसलिए फिर हम उस मेथड को नहीं करेंगे। हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड करेंगे, जिससे हम लोग किसी भी इक्वेशन के, अगर आप किसी क्वेश्चन को मिडिल स्प्लिट से ना करना चाहो आप इस मेथड से कर दो, बड़ा आसान और बहुत सिंपल है। आइए आज इस मेथड को पढ़ते हैं और 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड से करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड कट गया, सेकंड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन सारे के सारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.3, 2x²-7x+3=0। देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कहा, इफ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ही आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे। अब ये एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, आइए शुरू करते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है, ax² + bx + c = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर से पहले a लिखा हुआ है, तो अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो बोलिए a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। एक्स से पहले b लिखा हुआ है, b की वैल्यू -7 हो गई, और कांस्टेंट टर्म का नाम c है, और c से पहले प्लस का साइन है, यहां भी प्लस का साइन है, तो वो +3। अगर माइनस का साइन होता तो मैं -3 लिखता। एक नाम आता है डिस्क्रिमिनेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते हैं, डी। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इससे ये पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन के हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिमिनेंट, तो आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे डिस्क्रिमिनेंट टेल अस About the nature of the roots of quadratic equation. नहीं समझे? Discriminant हमें बताता है the nature of the roots of the quadratic equation. अब roots के nature कैसे होते हैं? अभी ये सब discussion 4.4 exercise में होगा, ठीक है? कभी-कभी हमारे answer same आ जाते हैं, देखो nature कैसा हो गया? कभी-कभी हमारे दोनों answer positive आ जाते हैं, कभी कभी हमारे दोनों आंसर अंडर रूट में आ जाते हैं, तो सबके अलग अलग नेचर हो गए। इस नेचर को कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है, ठीक है, जिसका सिंबल क्या है, डी, और जिसका फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। तो हम इसके नेचर के बारे में जब आपसे डिस्कस करेंगे तो वो एक्सरसाइज 4.4 में करेंगे। अभी तो केवल आप इतना समझिए कि डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि रूट आ सकते हैं या नहीं आ सकते, कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले b निकालते हैं, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो चलिए निकालते हैं b, बताइए b की वैल्यू क्या है, -7, ऐसे ब्रैकेट में 4
ए की जगह क्या लिखेंगे टू और सी की जगह क्या लिखेंगे थ्री। देखिए फॉर्मूला डी, डी माने डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस सेवन का स्क्वायर करेंगे 49, 4 टू जा 8 थ्री जा 24, बताइए 49 में से 24 क्या बच गया 25। सिंस डी का आंसर 0 से बड़ा आया सो लिखेंगे रूट्स एग्जिस्ट, इसका मतलब रूट्स निकाल सकते हैं। डी का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, अगर डी का आंसर नेगेटिव आ गया तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, बात पक्की है एकदम। नहीं निकाल सकते, कब निकाल सकते हैं जब डी का आंसर क्या है पॉजिटिव आए, ठीक है, नेगेटिव पे नहीं निकाल सकते। अच्छा तीसरी कंडीशन क्या है कि डी का आंसर जीरो पे तो आ सकता है तो भी निकाल सकते, डी का आंसर पॉजिटिव आए तो भी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, डी का आंसर जीरो आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए तो भी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा होता है, लेकिन डी का आंसर अगर नेगेटिव आ गया तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाएगा, हम लोग उस इक्वेशन के रूट्स किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ए बी सी निकालने के बाद हमने डी चेक किया, देखो ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, फिर चेक किया कि डी का आंसर जीरो से बड़ा है, एग्जामिनर को बताया कि भैया डी पॉजिटिव आया है इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब लिखेंगे सो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला होता है, इक्वेशन कौन से वेरिएबल में चल रही है एक्स में, तो एक्स लिखेंगे एक्स इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का फॉर्मूला है। मैं आपको इसे वेरीफाई भी करवाऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे अपने नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, लेकिन फिलहाल इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन क्या लिखा 2a। इस फॉर्मूले को लिखने में बच्चे बहुत गलती करते हैं, यहाँ बी स्क्वायर लिख देंगे माइनस हटा देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे a छोड़ देंगे, कभी कभी a लिख देंगे 2 छोड़ देंगे, कभी कभी यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ऐसी गलतियां बहुत करते हैं, तो अपने हाथ से अच्छे से फॉर्मूले को लिख कर देखना, ठीक है। तो x का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब देखिए एक जो बहुत बड़ी गलती बच्चे करते ही करते हैं, क्या देखिए मैंने क्या हैबिट बना रखी है, जब मैं इस फॉर्मूले का हेडिंग लिखकर फॉर्मूले को लिखता हूं तो सारे काम बाद में करता हूं, सबसे पहले क्या कर देता हूं इस माइनस के साइन को लगाता हूं, ये माइनस का साइन बच्चा लगाना भूल जाता है और बी की वैल्यू को जो आता है बस वही लिखता है। तो मैंने सबसे पहले अपनी क्या हैबिट बना रखी है कि फॉर्मूला लिखने के बाद सबसे पहले मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, अब क्वेश्चन में देखूंगा कि बी की वैल्यू क्या है जिससे आपकी गलती नहीं होगी। देखिए भैया बी की वैल्यू क्या है, देखेंगे माइनस सेवन ऐसे। अब सोच कर देखिए अगर आपने दो में से एक ही माइनस लगा दिया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट का साइन, अंदर डी की वैल्यू बताइए डी की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 2 इनटू बताइए ए की वैल्यू कितनी है 2, ये ए की वैल्यू 2 आ गई। अभी तो मैंने फॉर्मूले में केवल वैल्यू पुट करी है, वैल्यू को सही सही पुट करना भी बहुत बड़ी कला है, तो जब तक आपको डी का आंसर नहीं पता होगा तब तक आप वैल्यू कैसे पुट करोगे, इसलिए डी पहले निकालना जरूरी है और डी ही आपको हरी झंडी दिखाएगा कि क्वेश्चन को आगे करना है या नहीं करना। डी पॉजिटिव आया ठीक है चले आगे, रूट्स एग्जिस्ट, जीरो आया तो भी रूट, लेकिन नेगेटिव आ गया तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाए, ठीक। तो चलिए एक्स इक्वल्स बोलिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस 25 का अंडर रूट बताइए 5 ठीक है, और नीचे 2 बीजा कितना हो गया 4। अब क्या करेंगे एक बार बीच में प्लस का साइन लेंगे, 7 प्लस 5 अपॉन 4 12 अपॉन 4 3 आंसर आ गया, एक बार बीच में माइनस का साइन लेंगे और ये देखो 2 अपॉन 4 और कटी बार अपॉन 2 आ गया। आप ना इसको इस क्वेश्चन को करने के बाद जैसे मिडिल स्पीड से करना, 3 2 या 6 प्लस करके 7 आना चाहिए, 6 और 1 इसके फैक्टर बन गए, सॉल्व करके देख लेना यही आंसर, आंसर में चेंज नहीं आएगा, चेंज किसमें हुआ मेथड में हुआ। आज आपने मास्टर की मेथड सीख लिया, मास्टर की मेथड, ये वीडियो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस बच्चे से किसी क्वेश्चन को मिडिल स्पीड से सॉल्व ना हो रहा हो किसकी शरण में जाइए, श्रीधराचार्य की शरण में जाइए, श्रीधराचार्य शरणम गच्छामि, ठीक है, और उस मेथड को अप्लाई करिए जो उन्होंने बनाया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाया, उसके लिए पहले एबीसी निकालकर डी निकालना है, चेक करना है रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर जल्दी से आंसर निकालना है। तो देखा आपने माइनस सेवन प्लस माइनस रूट 25 अपॉन, देखो कितनी जल्दी काम भी हो गया।
अच्छा एक बात और, ऐसा भी हो सकता था कि जरूरी नहीं है कि आपका डी का आंसर हमेशा ऐसा ही आए जिसके अंडर रूट आप कर सकते हो। क्या पता डी का आंसर ये आ जाता माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट यहां 30 बना जाता। अब बताओ अब क्या करते, 25 का अंडर रूट तो आपने फटाफट 5 कर दिया, लेकिन अब आप 31 का अंडर रूट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, नहीं कर सकते, क्या करें, ये देखो 7 प्लस माइनस 31 का अंडर रूट 31 लिखा रहने देंगे अपॉन 4, ये आपका आंसर हो गया। देखिए भाई जब आप 31 का अंडर रूट परफेक्ट नंबर है ही नहीं, कर ही नहीं सकते, तो फिर आप कैसे करेंगे, ये ही आपका आंसर हो गया। और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एक बार एक्स का आंसर बीच में प्लस ले लें और एक बार एक्स का आंसर बीच में क्या ले लें माइनस, एक बार बीच में प्लस और एक बार बीच में, चाहे ऐसे लिखा रहने दे चाहे अलग अलग करके लिख दे, लेकिन ये आंसर किसके हैं, एक्स के हैं। एक्स कौन है, वो वेरिएबल है जो क्वेश्चन में अंदर आया हुआ है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है चले आगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं वो सब चीजें आपको दिखा रहा हूं जो बोर्ड की कॉपी चेक करते समय हमें गलतियां मिलती हैं। ठीक, यहां ना सपोज करो 8 लिखा हुआ, ठीक, तो क्या करेंगे 60% बच्चे यानी कि आधे से भी ज्यादा फटाफट 4 की जगह काट देंगे और यहां लिख देंगे 2, ये गलत है। ऐसे आप 4 की जगह 8 नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस माइनस का साइन है। ठीक है, तो इस गलती का ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा एक काम और हो सकता है, देखिए क्या, माइनस माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या पता डी का आंसर 0 आ जाए। ये देखो क्या पता डी का आंसर 0 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो चलिए जब 0 आ जाएगा 7 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 अपॉन क्या 4, देखो 0 को जब भी अंडर रूट करेंगे क्या आएगा 0। तो अब एक बार क्या करेंगे, एक बार 0 को प्लस मिलेंगे और एक बार 0 को किस मिलेंगे माइनस मिलेंगे। 7 में 0 प्लस करेंगे 7 अपॉन 4, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 अपॉन 4। देखा आपने दोनों आंसर सेम आए, यहां दोनों आंसर अलग अलग आए, देखा आपने दोनों, और वहां आंसर दोनों रूट में अलग अलग आए थे। देखा, इसे बोलते हैं नेचर। ये कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है। तो नेचर के बारे में बात करेंगे हम 4.4 में। कभी कभी आंसर देखो सेम आ रहे हैं, कभी अलग अलग आ रहे हैं, कभी नेगेटिव आ रहे हैं, कभी फ्रैक्शन में आ रहे हैं, कभी रूट में आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा नेचर डिस्कस कब होगा, 4.4 में होगा। अभी तो आपको ये मेथड सीखना है, अच्छे से आ गया हो तो फिर हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। मैंने डिफरेंट वैरायटी आपको बताई कि जिसका परफेक्ट नंबर नहीं निकाल सकते कुछ और भी कंडीशन हो सकती है, और जिसमें 0 आ जाए वहां पर भी देखो प्लस 0 अलग माइनस 0 अलग, दोनों आंसर सेम है, क्योंकि आप 0 प्लस करोगे माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे करके दिखाना है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, जिससे आपका काम जल्दी और आसान। एक और पार्ट करते हैं जिससे थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आगे चलेंगे। देखिए सब प्रैक्टिस से आएगा, आप थोड़ा सा, कुछ बच्चे अभी चैप्टर 4 पे लेट चल रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं जिससे आपको काम करने में मजा आए। 2x² + x - 4 = 0, पहले इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c = 0। चलिए अब देखिए यहाँ x² के साथ a है या 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2, x के साथ b है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, नहीं 1 लिखा है, तो b की वैल्यू +1 और c का आंसर बोलो क्या हो गया -4। सबसे पहले d निकालते हैं, फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक से वैल्यू पुट करते हैं b की 1 4, a की जगह 2, c की जगह -4, ठीक है 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 8 4 32, बताओ कितना आया 33 आया, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, चाहे 33 आया हो चाहे 43 आया हो चाहे 93 आया हो, लेकिन आंसर पॉजिटिव आया। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस d का आंसर कुछ भी आया हो लेकिन 0 से बड़ा आया, सो रूट्स एग्जिस्ट्स। मास्टर की मेथड, कोई क्वेश्चन आपसे ना आ रहा हो लगाओ ये मेथड, अगर एग्जाम में ऊपर किसी मेथड का नाम ना लिखाओ आप फॉरन इस मेथड से करो, देखो फटाफट आपको काम हो जाएगा। तो जो बच्चे मिडिल स्पीड से डरते थे अब देखो उनके पास एक मास्टर की आ गई, मास्टर की मेथड है ये, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो एकदम काम करेगा। चलिए तो डी निकाल लिया, देखा कि डी का आंसर, ये बना पता पता नहीं बहुत जरूरी है ये वाली बात कि डी का आंसर पॉजिटिव आया, इसलिए रूट्स क्या करेंगे एग्जिस्ट, ठीक है। तो चलिए सो
एक्स इक्वल्स माइनस, पहले मैंने माइनस लगा लिया, अब देखूंगा क्वेश्चन में बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1 प्लस माइनस अंडर रूट, बताओ भाई डी का आंसर क्या आया था 33 अपॉन 2 इनटू ए की जगह क्या लिखूं 2, तो एक्स इक्वल्स माइनस 1, क्या हम 33 का अंडर रूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपॉन 4, ये आपका आंसर हो गया। ज्यादा से ज्यादा एक बार बीच में प्लस एक बार माइनस अलग अलग करके लिखते तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए एक बार बीच में प्लस और एक बार बीच में माइनस, माइनस बी, बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का आंसर आप पहले निकाल चुके 33 अपॉन 4, दैट्स द आंसर, एक पॉजिटिव और एक बीच में नेगेटिव। बताइए अब थोड़ा समझ में आया, एक क्वेश्चन देखो मैंने आपके सामने फटाफट किया, कंपैरिजन करना है एबीसी, सोच के देखिए अगर आपने एबीसी की वैल्यू भी गलत सेलेक्ट कर दी, एबीसी की वैल्यू भी गलत सेलेक्ट कर दी तो सारा क्वेश्चन आपका बेकार। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं जिसमें रूट है, जिससे बच्चे रूट देख के घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, बिल्कुल इसी मेथड से काम करना, घबराने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 और इक्वल क्या 0, ये देखिए। ठीक है एबीसी छांटते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ 4 लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 4 होगी, एक्स के साथ बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू 4√3 होगी और सी का आंसर 3 होगा। आइए डी निकालते हैं, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपने मुंह से बोलिए, जब तक आप अपने मुंह से बोलेंगे नहीं ना लिखा भी नहीं जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 4√3 ऐसे ब्रैकेट में लिखना है और तब स्क्वायर लगाना है, नहीं तो ये इसके ऊपर माना जाएगा फिर इसके ऊपर नहीं माना जाएगा, ए की जगह 4, सी की जगह 3, तीनों मल्टीप्लाई है, चलो 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, 4 4 जा 16 3 जा, अरे ये क्या हुआ, इसका आंसर तो 0 आ गया, मैंने कहा कि डी का आंसर 0 आया, सो मैंने क्या कहा था आपसे रूट्स एग्जिस्ट, जब भी आंसर 0 से बड़ा आए, पॉजिटिव आए, 0 के इक्वल आए, दोनों कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, By using quadratic formula, x equals minus b plus minus root d upon 2a. अब फिर से लिखते हैं x equals minus. अब जरा देखिए b की वैल्यू क्या है, बताइए b कितना है, b है 4√3 plus minus under root. D का आंसर 0 upon 2 into. बताओ भाई a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, ये देखिए a का आंसर 4 आ गया। ठीक है देखा आपने a का आंसर 4 आ गया, देखिए चलिए x equals माइनस का 4√3 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट क्या होता है 0 और 2 फोर का कितना हो गया 8। ठीक तो जल्दबाजी में अभी इन दोनों को मत काट देना, इनको गड़बड़ हो जाएगी, चाहे या 0 हो चाहे कुछ भी हो अभी मत काटना, अब क्या करेंगे एक बार बीच में प्लस देंगे एक बार माइनस, चलिए क्या करते हैं x का आंसर माइनस का 4√3 प्लस 0 अपॉन 8, जरा इन दोनों को प्लस करो तो माइनस का 4√3 अपॉन 8 ही आएगा और जरा इसे काट देते हैं 4 2 8 ये बच गया माइनस √3 अपॉन, ये देखो अब ठीक हुआ, एकदम मत काट देना यहाँ जब तक प्लस माइनस लिखा रहेगा आप ऊपर नीचे काट नहीं सकते, ये गलत है। ठीक तो ऐसे अब इसको इसमें प्लस किया सॉल्व किया अब आप ऊपर नीचे काट सकते हो। ठीक ऐसे ही एक्स का दूसरा आंसर मुझे लगता है सेम ही आएगा, ये देखो पहले यहाँ प्लस 0 लिखा था अब क्या लिखेंगे माइनस का 0 अपॉन 2 इनटू बताओ भाई a की वैल्यू सॉरी नीचे क्या था 8, चलो क्या लिखूं x equals माइनस का 4√3 माइनस 0 माइनस 0 अपॉन 8, फिर से वही आंसर आ गया माइनस √3 अपॉन। तो एक बात आप पक्की समझ लीजिए क्या कि जब भी d का आंसर 0 आएगा x के दोनों आंसर सेम आएंगे, पक्का 100% ये बात पक्की हो गई कि जब भी d का आंसर 0 आएगा आपके दोनों आंसर सेम आएंगे, साइन में भी सेम आएंगे नंबरिंग में भी सेम आएंगे, माइनस √3 / 2 माइनस √3 / 2। ठीक है आया कुछ समझ में, अब तीन पार्ट्स कर दिए, देखिए मैंने एक और करते हैं चौथा पार्ट बचा है वो भी करते हैं कोई बात नहीं, जिससे काम पक्का हो जाए फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दूंगा आप करिएगा। ठीक है अभी अभी मेरा काम है मैं करता हूँ अच्छे से, देखते हैं आप ये क्वेश्चन अगला पार्ट वाला कैसे,
देखा आपने फर्स्ट पार्ट में अंडर रूट 25 आया, पूरा पूरा नंबर कट गया। सेकंड पार्ट में रूट में एक ऐसा नंबर आया, डी का आंसर आया, जिसका आप रूट नहीं कर सकते थे। तीसरा पार्ट मैंने किया जिसमें डी की वैल्यू जीरो आई, तो जीरो में हम कैसे करते हैं देखिए। और अब चौथा पार्ट करते हैं, यानी कि चार क्वेश्चन, चार नई वैरायटी ऑफ कैलकुलेशन। इसलिए मैंने आपके सारे काम किए, पल्ला झाड़कर मैंने आपको सारे क्वेश्चन नहीं दे दिए करने के लिए, आपके साथ सारी वैरायटी को डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अब 2x² फोर्थ पार्ट है, 2x² प्लस का 4 इक्वल 0। आइए पहले एबीसी छाड़ते हैं, ए के नीचे, ए के सामने 2, बी का आंसर 1 और सी का आंसर 4। डी निकालते हैं, b² - 4ac, 1² - 4 × 2 × 4 और 1 4 × 8 4 × 32। देखना आंसर क्या आया, प्लस में आया माइनस में आया, माइनस में आया, सिंस डी का आंसर 0 से छोटा है। सो क्या लिखूं, रूट्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक, देखिए रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, बताइए बात समझ। जब भी डी का आंसर नेगेटिव आएगा, आप कोई सा मेथड लगा के देख लो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, मिडिल स्प्लिट से, चाहे आप इस मास्टर की मेथड को लगा के देख लो, आप इसके रूट्स निकाल ही नहीं सकते। जैसे ही मैंने कहा ना इसके रूट्स नहीं निकाल सकते, तो क्लास में एक बच्ची बोली, सर आप तो कह रहे थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी डिग्री 2 होती है और मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं, और इसके अंदर भी ऐसी कंडीशन है, लेकिन आप कह रहे हो कि इसके रूट्स हम निकाल नहीं सकते। मैंने ये नहीं कहा कि रूट्स इसके नहीं होंगे, मैंने कहा निकाल नहीं सकते। देखा आपने शब्दों में कितना फर्क है, होंगे इसके भी 2 रूट्स होंगे, कौन से होंगे जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके रूट्स मैं निकालने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसका डी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अच्छा, रूट्स हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, तो ऐसे रूट्स को हम केवल सोच सकते हैं, केवल उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। और जिन रूट्स के बारे में हम निकाल नहीं सकते, केवल इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे रूट्स का नाम मैथमेटिक्स में होता है इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी रूट्स कब निकलते हैं, जब डी हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव है। इसके भी 2 रूट्स हैं लेकिन वी कैनॉट फाइंड, बस केवल इमेजिन कर सकते हैं, हाँ इसके वो 2 रूट्स होंगे इमेजिनरी, उन रूट्स का नाम ही क्या पड़ गया, इमेजिनरी। और ये जो हम रूट्स निकाल रहे हैं, जो हमारी आंखों के सामने हैं, वास्तविक हैं, इनको हम बोलते हैं रियल रूट्स। तो मैं नेचर की बात, तो केवल इतना याद रखना है कि जैसे ही डी का आंसर नेगेटिव आए, तो लिख देंगे भैया डी का आंसर 0 से छोटा आया, इसलिए रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्वेश्चन आगे नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने आपके सामने एक ही तरह के चार क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से किए। अब आपके लिए मैं कुछ काम दे रहा हूं, मेथड का नाम कुछ भी लिखा हो, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपके यहाँ से हट गया है। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूँ, जिससे आप इस मेथड को अप्लाई कर सकें। ये वाला मेथड लगा के करना है, ठीक, और कोई मेथड से नहीं करना। आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 8 इसी मेथड से करना है, जो इसमें लिखा है उससे नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 13, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 13, तीनों पार्ट्स पे हैं। ठीक है, इतना काम आपको करना है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 4 पार्ट्स इसमें हैं, 2 ये हैं, तो 4 और 2 6 पार्ट्स, सॉरी 3 पार्ट्स इसमें हैं, 2 क्वेश्चन ये हैं, तो 2 और 3 5। और ये जो 4 क्वेश्चन मैंने अभी आपसे वीडियो में डिस्कस किए हैं, 4, ठीक, 4 और 3 7 और 2 9, 10 क्वेश्चन के पूरे। तो आज आप इस काम को निपटाइए जल्दी से। आज आपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आगे अब हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, हम किसी क्वेश्चन को मिडिल स्पीड से भी कर सकते हैं और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जिसे किसने बताया, इंडियन मैथमेटिशियन ने बताया, जिनका नाम था श्रीधर आचार्य। तो हम रनिंग में इनका नाम बोले तो श्रीधराचार्य मेथड के नाम से ये क्वेश्चन बहुत मशहूर है। ठीक, गुड डे, अच्छे से करिए, और कोई बात समझ में आए पूछिए, इनमें कोई प्रॉब्लम आए पूछिए। इनके ऊपर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखा होगा, आपको उससे नहीं करना, आपको इसी मेथड से क्वेश्चन करना है, क्योंकि सीबीएसई में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कट गया है, अब वो आपके सिलेबस में नहीं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।